हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लोरियल हेयर स्पा के ऊपर। सो फ्रेंड्स, लोरियल हेयर स्पा हम कौन से हेयर पे करते हैं और किस तरीके से करते हैं, सो इस वीडियो में आपको मैं फुल डिटेल में बताने वाली हूँ किस तरीके से हेयर स्पा का प्रोसेस होता है। वीडियो क्लिक किए हैं तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, एंड हमारे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी। ये हेयर बिल्कुल हीना कोट का है जो कि आप देख सकते हैं। ये हर मंथ मेहंदी अप्लाई करते हैं अपने हेयर पे। हेयर स्पा करने से पहले की कंडीशन कुछ इस तरीके से है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेयर ड्राई हो चुका है। सो हीना वाले बाल पे हम कौन सा क्रीम बाथ यूज करेंगे जिससे ये हीना वाले बाल पे जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर हो जाए। सो काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हमें कौन सा क्रीम बाथ यूज करना है आगे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो क्लिक किए हैं तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हीना अप्लाई करने से क्या ये बाल जो डैमेज हुआ है वो हेयर स्पा करने से इसकी रिपेयरिंग होगी या नहीं, मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। हेयर स्पा का सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है हेयर वॉश करना, जो कि मैं लोरियल प्योरीफाइन शैम्पू से इन हेयर को वॉश करने वाली हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जो भी इस पे वाइल है वो हम अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद ही हम क्रीम बाथ यूज करेंगे। सो हेयर वॉश करने के लिए हम लोरियल प्योरीफाइन शैम्पू का यूज किए हैं जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हेयर के अकॉर्डिंग ही हम शैम्पू लेंगे और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से मल्सीफाई करने के बाद हेयर पे अप्लाई करेंगे। शैम्पू की फर्स्ट एप्लीकेशन में अगर आपका हेयर ऑयल फ्री नहीं हो पाता है सो आप डबल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप प्योरीफाइन शैम्पू को यूज कर रहे हैं। अगर शैम्पू की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट प्रोसेस में ही बहुत ही अच्छा लुक आया है। जो कि शैम्पू का प्रोसेस होता है 3 मिनट का समय लेता है ये, और काफ़ी अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स की हेल्प से आप स्कैल्प में मसाज भी कर सकते हैं। शैम्पू करते समय इन्हें रिलैक्स फील होना चाहिए। उसके बाद हम टॉवल वेयर किए थे क्योंकि इस पे हमें कॉम भी करना है। टैंगल फ्री करने के बाद हम इस पे क्रीम बाथ यूज करेंगे। ये रहा हमारा रिपेयरिंग क्रीम बाथ, एंड इसके साथ हम 1 कंसंट्रेट को यूज करेंगे जो कि दोनों को मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद हम स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे। सो दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हीना वाले बाल हैं तो हमें रिपेयरिंग क्रीम बाथ को यूज करना है एंड एंटी डेंड्रफ कंसंट्रेट को यूज करके हेयर पे हम अच्छे तरीके से एक शाइन भी ला सकते हैं एंड हेयर को रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयरिंग क्रीम बाथ को यूज करने से जो हेयर की लेंथ पे जो सुधार आएगी वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिख जाएगी आपको वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें आप। किसी तरीके के आप केमिकल यूज किए हैं बाल पे सो आप मंथ में एक बार हेयर स्पा जरूर लें। अगर आप हेयर स्पा का प्रोसेस नहीं ले रहे हैं सो आपका हेयर धीरे धीरे करके डैमेज हो जाएगा। जो भी हेयर डैमेज अभी तक हुई है वो धीरे धीरे हेयर फॉल में बदल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगेगा। सो स्कैल्प भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, आप केमिकल यूज करते हैं, हेयर ऑयल भी नहीं यूज करते, इसकी वजह से स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड हेयर फॉल होने लगती है। बहुत लोग क्या करते हैं, हेयर फॉल होते हैं सो बोलते हैं कि हेयर स्मूथनिंग कराने से हमारा सारा हेयर ख़राब हो चुका है। ऐसा नहीं है, अगर आप हेयर स्मूथनिंग कराए हैं सो आप पर मंथ हेयर स्पा ले सकते हैं। हेयर स्पा लेने से क्या होगा ना कि सारे केमिकल की जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम करती है एंड आपके हेयर पे एक अच्छा सा वॉल्यूम आता है। स्मूथनिंग करवाने से आपके हेयर की जो नेचुरल शाइन होती है वो ख़त्म कर देती है एंड आर्टिफिशियल की तरह हेयर आपकी हो जाती है। सो उसको प्रॉपर शाइन रखने के लिए, प्रॉपर प्रोटीन देने के लिए एंड हेल्दी रखने के लिए आपको हेयर स्पा का प्रोसेस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपकी हेयर केयर अच्छे से हो पाएगी। सो इस तरीके से अगर आप हेयर स्पा लेते हैं सो केमिकल का जो भी उस पे प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके ख़त्म करेगा एंड आपकी हेयर पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी आएगी एंड हेल्दी भी दिखेगी। इसलिए आपको हेयर स्पा करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप केमिकल अप्लाई किए हैं तभी करवाएं, आप नॉर्मल भी हेयर को रखें फिर भी आप हेयर स्पा का प्रोसेस ले सकते हैं।
स्कैल्प से जो डेंड्रफ निकलती है, डेड सेल होता है, वो आपका रूट को ड्राइनेस होने के कारण ही होता है। सो वो इस स्पा से वो भी ख़त्म हो जाता है एंड हेयर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसके साथ साथ हेयर की जो नई रीग्रोथ होती है वो भी काफ़ी हद तक उगने की चांस होती है। सो हेयर स्पा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जो कि हेड मसाज इसमें आता है। सो हेड मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है एंड जो भी ड्राइनेस है हेयर पे, डेंड्रफ है, डेड सेल जो निकलती है, वो सारे ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ हेयर फॉल जो होती है वो भी रुक जाती है। सो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है हेयर स्पा। मंथ में एक बार लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप केमिकल यूज किए हैं फिर भी ले सकते हैं, नहीं भी यूज किए हैं फिर भी आप ले सकते हैं, ईजिली है इसे लेना। बहुत लोग की क्वेश्चन होती है कि मंथ में एक बार हेयर स्पा ले सकते हैं या नहीं। सो आप 22-25 डे में ही आप ले सकते हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छी वर्क करती है हेयर के ऊपर, जो कि आप हेयर वॉश करते हैं, हेयर पे कभी भी आप ऑयल की मसाज नहीं देते हैं तो भी इससे काफ़ी अच्छा हेयर रहेगा एंड जो भी वॉल्यूम हेयर पे दिखता है वो इसकी वजह से ही दिखता है। किसी किसी के हेयर पे देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा शाइन रहता है एंड वॉल्यूम भी रहता है। सो स्पा के वजह से ही रहता है, क्योंकि हेयर स्पा काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है हेयर के ऊपर। सो एक साइड के सारे हेयर पे हम क्रीम की एप्लीकेशन कर चुके हैं, स्कैल्प के साथ साथ हमारा क्रीम की भी एप्लीकेशन लेंथ पे भी हो चुकी है। सो मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से क्रीम की एप्लीकेशन कर लूँगी, उसके बाद मैं हेयर पे मसाज दूँगी। लेंथ की जो रिपेयरिंग होती है वो साथ साथ में मैं दे रही हूँ अभी। इस तरीके से अगर आप क्रीम को यूज करते हैं एंड लेंथ पे मसाज देते हैं, सो इससे एक अच्छी साइन आती है एंड जो भी आपके हेयर डैमेज हैं उसमें भी बहुत हद तक सुधार आती है। सारा क्रीम को यूज करने के बाद हम हेड मसाज देंगे, उसमें काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होता है, जो कि हेयर स्पा कराने में यही एक फ़ायदा है कि आप अच्छे तरीके से हेड मसाज ले सकते हैं। स्कैल्प के साथ साथ हम लेंथ पे भी मसाज दे रहे हैं। जिस तरीके से इसका प्रोसेस होता है मैं अच्छे तरीके से आपको समझाई हूँ। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी कुछ सीख मिली तो हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बहुत लोग पूछते हैं आप ये क्रीम बात कहाँ से लाते हैं एंड कंसंट्रेट का जो बॉटल होती है वो कैसे परचेज करते हैं। सो आपको इजीली शॉप पे मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सो सारे हेयर पे हम क्रीम की एप्लीकेशन कर चुके हैं एंड पेनिट्रेट होने के लिए हम हेड मसाज भी देंगे, ताकि अच्छे से हमारा स्कैल्प एंड हेयर पे अब्जॉर्ब करे। मसाज भी हमें उतनी ही अच्छी देनी होगी जितनी अच्छी से हम क्रीम की एप्लीकेशन किए हैं। काफ़ी अच्छा हमें स्टेप भी देना होता है, जो कि इनको काफ़ी अच्छे से रिलैक्स फील हो। हेयर स्पा का जो मेन प्रोसेस होता है वो मसाज होता है। अच्छे से आप हेड मसाज दे रहे हैं, सो सारा जो क्रीम की एप्लीकेशन किए हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। इसके बाद हम हॉट स्टीम देंगे। अगर आपके पास हॉट स्टीम की व्यवस्था नहीं है तो आप हॉट टॉवल भी रैप कर सकते हैं हेयर के ऊपर। अगर आप घर पे हेयर स्पा करते हैं सो आप हॉट टॉवल को भी रैप कर सकते हैं हेयर के ऊपर। हेड मसाज की जो टाइमिंग होती है वो 10-15 मिनट तक की होती है। उसमें आप अच्छे तरीके से पॉइंट से हेड मसाज दे सकते हैं। हेयर स्टीम के जस्ट बाद हेयर को फोल्ड कर रखे हैं ऊपर की ओर, उसके बाद हम इस हेयर पे हॉट स्टीम दे रहे हैं। हॉट स्टीम देने से जो भी हम क्रीम यूज किए हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट करेगा एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है, साइन भी आएगी हॉट स्टीम देने से। सो अगर आपके पास इस तरीके की मशीन नहीं अवेलेबल है सो आप हॉट टॉवल भी यूज कर सकते हैं। सो हॉट टॉवल को हेयर के ऊपर रैप करें, 1-2 बार में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हॉट स्टीम के बाद हेयर पे बिल्कुल नॉर्मल वाटर से हेयर को रिंस करना है। यहाँ पे किसी भी तरीके की शैम्पू एंड कंडीशनर को यूज नहीं करना है। उसके बाद अब हम हेयर को ड्राई करेंगे। ड्राई करते समय बिल्कुल हॉट स्टीम नहीं देंगे,
हल्की ठंडी हवा से हेयर को सुखाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम सीरम की एप्लीकेशन करेंगे। सीरम भी हेयर के ऊपर जो क्यूटिकल पार्ट होते हैं उसको लॉक करता है एंड हेयर पे शाइन भी लाती है। सीरम को आप स्कैल्प में यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल लेंथ पे ही यूज करें। सो काफ़ी अच्छे तरीके से हम सीरम की एप्लीकेशन लेंथ पे कर लिए थे, रूट से लेकर बिल्कुल लेंथ तक। आप फाइनल लुक देख सकते हैं कि कितनी प्यारी रिजल्ट आई है हेयर स्पा का। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर आप पैडल ब्रश की हेल्प से कॉम कर सकते हैं। कितनी अच्छी इनकी हेयर की जो शाइन आई है वो काफ़ी प्यारी आई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें कि आप इस वीडियो से क्या कुछ समझ पाएँ। एंड हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे तरीके की वीडियो अपलोड की गई है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक डाल दूंगी, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा।